नमो नमः। संस्कृत श्लोक की श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक ऐसा श्लोक लेके आए हैं जो आपके जीवन में नया प्रकाश डाल दे। संस्कृत श्लोकों में बहुत गूढ़ रहस्य छुपा होता है, तो आज देखिए हम कौन सा श्लोक पढ़ते हैं। इस श्लोक में हम आपको अपनी बात प्रश्न व उत्तर के माध्यम से बताने जा रहे हैं। किन्नु हित्वा प्रियो भवति, किन्नु हित्वा नासोचति, किन्नु हित्वा अर्थवान भवति, किन्नु हित्वा सुखी भवेत। इसका अर्थ क्या है? किन्नु हित्वा प्रियो भवति, यानी कि मनुष्य किस चीज को छोड़कर प्रिय होता है। किन्नु हित्वा ना सोचति, और कौन सी चीज किसी का हित नहीं सोचती है। किन्नु हित्वा अर्थवान भवति, और किस चीज को हित्वा मतलब त्याग कर। अर्थवान भवति, व्यक्ति धनवान होता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत, तथा किस चीज को त्याग कर मनुष्य सुखी हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या है? मानम हित्वा प्रियो भवति, क्रोधम हित्वा न सोचति, कामम हित्वा अर्थवान भवति, लोभम हित्वा सुखी भवेत। अर्थात मानम हित्वा, मानम मतलब अहंकार को, अहंकार को छोड़कर, अहंकार को त्याग कर मनुष्य प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा न सोचति, क्रोध एक ऐसी चीज है जो किसी का हित नहीं सोचती है। कामम हित्वा अर्थवान भवति, काम मतलब इच्छाओं, काम इच्छा को त्याग कर व्यक्ति धनवान हो जाता है, क्योंकि जिसके पास संतोष धन नहीं है वो धनवान, चाहे कितनी भी सुख सुविधाओं की चीजें हो जाए वो व्यक्ति कभी भी धनवान नहीं होता है। तो कामेक्षा को त्याग कर व्यक्ति धनवान होता है। लोभम हित्वा सुखी भवेत, लोभ मतलब लालच, लोभ को त्याग कर व्यक्ति सुखी हो जाता है। यहाँ पर हमने आपको चार चीजों के बारे में बताया कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको छोड़कर व्यक्ति सुखी जीवन व्यतीत कर सकता है। आपको यह श्लोक कैसा लगा हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल संस्कृत बोर्ड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।